अब सिर्फ 7 आदमजात बाकी रह गए। हाँ नीलम्बरी, अगर वो 7 पूरे हो जाएं, तो मैं हमेशा के लिए अपना स्वरूप कायम करके पाताल और जमीन और आसमान पर अपनी हुकूमत कायम कर लूंगा। हमारी कोशिश जारी है। संगीत की मधुर धुन से शिकार बहुत जल जाल में फंस जाएंगे। नीलम्बरी, चंपाकली, क्या यह सच है कि तुमने एक आदमजात को बचा लिया है? हाँ बहन, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसके हुस्न के जाल से बच न सकी। तो साफ क्यों नहीं कहती कि तू उसे प्यार करने लगी है? आपका ख्याल ठीक हो सकता है बहन। खामोश! मैं ये गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। चल जाए यहां से। अब देखती हूँ कि वो आदमजात तेरी क्या मदद करता है। अरे अरे नीलम्बरी, ये तुमने क्या किया? अपनी बहन को निकाल दिया? तुम फिक्र न करो, तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। तुम कितनी अच्छी हो नीलम्बरी। अब वो दिन बहुत जल्द आने वाले हैं कि हम दोनों सुख चैन की जिंदगी हमेशा के लिए बसर करेंगे। गुरुदेव, आप और काल भूत की कृपा से हमें सब कुछ मिल चुका, परंतु एक चीज की कमी रह गई। वो क्या? यही कि हम अमर नहीं हो सके। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं, जब तक तुम 16 करोड़ संपूर्ण लड़की को हासिल करके काल भूत देवता की भेंट नहीं चढ़ाओगे, उस वक्त तक तुम्हारा अमर होना असंभव है। परंतु इस तरह की लड़की हासिल कहां से करूं? लड़की? पैताल, वो देख, 16 करोड़ संपूर्ण लड़की चंपा कली, ये है तेरी ख्वाब की तारीफ। चंपा कली? किस जुबान से शुक्रिया अदा करूं? क्या मैं अपने मोहसिन का नाम पूछ सकता हूं? कनीज को चंपा कली कहते हैं। वाह वाह, जितनी तुम सुंदर हो नाम भी उतना ही सुंदर है। लेकिन उदास क्यों हो? इसलिए कि मेरी बड़ी बहन नीलम पड़े के गुस्से ने मुझे हमेशा के लिए पातर नगरी से निकाल दिया है। अब मेरा संसार में कोई ठिकाना नहीं। लेकिन क्यों? मैंने तुम्हें जो बचा लिया इसलिए मुझे यह सजा मिली है। लेकिन तुम्हें अपनी जान को खतरे में डालने की क्या जरूरत थी? मैं तो खुद भी नहीं जानती। चंपा कली, आज से भूल जाओ कि तुम अकेली हो, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ। वैताल, दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर, तुम्हारे मन भरे नैनों का दीवाना, तुम्हारे हुस्न का परवाना, मैं बहुत दिन से तुम्हारी तलाश में था, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकती है। Thank you.
हरिओम गुरुदेव, क्या आप हमें सचमुच छोड़कर जा रहे हैं? हरिओम। अरे शायद चले भी गए। हाँ बेटा, मेरा वक्त पूरा हो गया। मेरे बाद तुम दोनों मेरा नाम रोशन करोगे, मुझे तुमसे यही आशा है। जग कल्याण में ही अपना जीवन व्यतीत करना मेरे बच्चों। गुरुदेव, क्या आप सचमुच हमें छोड़कर जा रहे हैं? परंतु जाते हुए हमारा कुछ कल्याण तो कर जाइए गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, जन कल्याण के लिए हमें कुछ दक्षिणा तो देते जाइए। हाँ गुरुदेव। लालच बहुत बुरी बला है बच्चा, समझा? हाँ, समझा। साधु को मोह माया और दक्षिणा से बहुत दूर रहना चाहिए। अच्छा गुरुदेव, अच्छा। दूर रहेंगे। मगर फिर भी हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर तुम्हें एक पुतली देते हैं। पुतली? गुरुदेव, मगर इस मट्टी की पुतली को लेकर हम क्या करेंगे? गुरुदेव, शायद हमें अभी बच्चा समझ रहे हैं। ये मिट्टी की नहीं, जादू की पुतली है। जादू की? आंखें बंद करके इससे जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। सच गुरुदेव? आप बड़े दयालु हैं गुरुदेव। मगर याद रखना, इस पुतली की हिफाजत जान से भी अधिक रखना। अगर ये पुतली टूट गई तो इसकी करामात भी खत्म हो जाएगी। आप फिक्र ना कीजिए गुरुदेव। हरिओम 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 हरिओम। चले गए गुरुदेव। अरे भोले गुरुदेव प्रसन्न होकर ये पुतली मुझे दे गए हैं। अरे क्या बकता है, मुझे दिए गए हैं पुतली? अरे चढ़ चढ़ पुतली तो मुझे दे गए हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे दे गए हैं। आ गया ना अपनी औकात पे, आखिरी तो है ना माई। अरे तूने मुझे माई कहा? अरे तूने मुझे माई कहा और कहूंगा। अबे तो भी पूरा हुआ। लाओ मेरी पुतली। पुतली लेकर रफू चक्कर हो जाना चाहता है? मैं भी बजरंग हूं बजरंग, लाओ। आप तो बड़े बहादुर मालूम होते हैं। लाओ ना मेरी पुतली, लाओ ना मेरी पुतली। अरे पुतली मेरी है, मुझे दे दो। अरे पुतली मेरी है, मुझे दे दो। मुझे दे दो। चल चल चल, तू मेरी पुतली है। मैं कहता हूँ मेरी पुतली, मैं कहता हूँ मेरी पुतली, मैं कहता हूँ मेरी पुतली, मेरी है। बस कर, तुम लोग इस मामूली पुतली के लिए झगड़ रहे हो? ये पुतली मामूली नहीं है, ये तो जादू की पुतली है। जादू की पुतली यार, हमें अपने गुरु ने दी थी। हाँ। जादू की पुतली? हाँ। अरे हमसे क्या, तुम्हें रखो। सुनिए, आपको यकीन नहीं आता? नहीं। तो बोलो क्या चाहते हो? अच्छा हाँ? इस पुतली से कहो हाँ? मुझे जादूगर वैताल के पास ले चले। अच्छा, अह पुतली ले चल जादूगर वैताल के पास। बैताल से बचकर भागने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन शायद तुम्हें नहीं मालूम कि जो एक बार मेरे शिकंजे में आ जाए उसका बचना मुश्किल। मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। कैसे जाने दो, जिसे हासिल करने के लिए मैं मुद्दत से तड़प रहा हूं, जिसे पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया,
आज मेरी तमन्ना पूरी किए बगैर चली जाना चाहती हो? क्या चाहते हो तुम? ये भी समझ जाओगे जल्दी क्या है, सब समझ। पीछे हटो, दूर रहो मुझसे। डरो नहीं, मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं लाया हूं, डराने के लिए नहीं लाया हूं, तुम्हें दिल बहलाने के लिए लाया हूं। ये है जादूगर वैताल का ठिकाना, अब तो यकीन आया? बजरंग, बजरंग। अरे तुम काम क्यों रहे हो, क्या सर्दी लगी है? अरे भैया ये तो जादूगर वैताल का ठिकाना है जो फुर्र से आदमी को गधा बना देता है। भागो भागो, भागो, लाओ मेरी पुतली। चलो जाने से पहले इस पुतली से ऐसी कोई चीज मांग दो जिससे जादूगर का जादू मुझ पर असर न करे। अच्छा अभी मांगता हूँ, लाओ पुतली, करो लंबा हाथ। हाथ हाथ। ऐ पुतली जो ये मांगते हैं इनके मन में है वो सब इनको दे दे। अरे फूल फूल आ गया। शुक्रिया, जाइए जाइए जाइए। बजरंग भा, देख देख। कौन है तू? क्या देख रहे हो? जी हम तो तुम्हें ही देख रहे हैं। अच्छा तुम मुझे देख रहे हो? रख दीजिए रख दीजिए। हम तो ये पूछने आए थे कि सुंदर अति सुंदर मुख पे उदासी की घटा कैसे छाई है। तुम्हें क्या, जो अपना काम करो। अजी हम तो अपना काम ही करने आए थे, एक बार प्यार की नजर से हमें देख लो, तुम्हारा क्या बिगड़ता है? साधु कैसी बातें करते, तुम्हें शर्म नहीं आता? साधु 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 हम थे तब थे, अब साधु नहीं है। क्यों देखो, क्योंकि अब तो हमारे पास ये पुतली है, पुतली। और ये जादू की पुतली, हम इससे जो चाहे मांग सकते हैं। ये मच्छी की पुतली? अरे यकीन ना हो तो मांग कर देख लीजिए, मांगिए। मांगिए मत, देखो मैं बताऊं, ये है ना, कहता ना तुम्हें मांगिए, ये है टट पट करने वाला माई। अच्छा बताओ एक माई क्या दे सकता है? बाल, बस ठीक है, बाल दे सकता। बाल तो है पुतली, भर दे ये घर बालों, इस बालों से। हाँ अरे ये क्या मुसीबत है? कुछ नहीं, घबराइए नहीं, अब मेरा कमाल देखिए। आई पुतली मैं तुझे हुक्म करता हूँ कि ये सब बालों को उड़ा दे। मेरे गंदा हो गया, अरे गंदा हो गया। माई के बच्चे चला। अरे पुतली देख, हमारे बाल जैसे थे वैसे फिर से बना दे मेरी अम्मा। देखा क्या पुतली है, क्या करामात है पुतली की। भाई काम के आदमी, मुझे दे दो ना। अच्छा ले लो। अच्छा तुम ले लो, ले लो, ले लो। अरे बेड़ा फर्क, ये सब कसूर इसका है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते। अजी सारी रकम कैसे माफ कर सकते हैं? बजरंग जी वो पुतली नहीं तो ये पुतली, इसे ले चलो। चलिए चलो। नहीं नहीं, क्या चलो बजरंग, चलो चलो चलो।
चंपाकली, चंपाकली। ओह कुमार, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? चले जाओ, वैताल ने अगर देख लिया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। घबराओ नहीं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वो बड़ा जालिम है, मैंने उसका जादू अपनी आंखों से देखा है। उसके पास बड़े जालिम राक्षस हैं। मैं उन सबको चुटकी में मसल दूंगा, चलो मेरे साथ। अब तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? बहन का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है, मेरा भी इस दुनिया में है कौन? मैं तो हूँ, मैं तुम्हें अपनी रियासत में ले जाऊंगा। मुद्दत से मुझे एक साथी की जरूरत थी और मेरी प्रजा को एक रानी की। चलो यहां से जल्दी निकल चले। बजरंग भैया, मिट्टी की पुतली टूट गई तो टूट गई, ये जीती जागती पुतली मुझे मिल गई। अबे मुंह संभाल कर बात कर, रहाने लोभी का लोभी। ये पुतली तो मेरी है, मेरी। क्या कहा माई के बच्चे, अगर दोबारा ये बात अपनी जबान से निकाली तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा। और अगर तुमने दोबारा इसकी तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं तेरी एक आंख निकालकर तुम्हें शुक्र बना दूंगा। अच्छा तो हो जाए फैसला, देखता हूँ कौन जीतता है, तू या मैं। आ जा, ठहर जा।
अगर मर्द का बच्चा है तो पहले उस तरह की फेंक दे। अरे मैं भी बुद्धि नहीं। मर्दों के साथ हाथों से लड़। अगर मेरा मुकाबला करेगा और जीतेगा तो लड़की तुझे देगा। ठहर मर्दों का बच्चा। चलो देख ले। माई के बच्चे, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरा मुंह भी देखना ही नहीं चाहता। माई के बच्चे देख ली मेरी ताकत है मेरे सामने। को किसको ताकत दिखा रहे हो? ओ, तुम लड़की कहाँ गई? वो गायब हो गई लड़की। गायब हो गई। कहाँ है तुम्हारी पुतली? पुतली तो टूट गई और लड़की भी भाग गई। हम चलेंगे राजमहल। लेकिन लड़की वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। चल भाई राजमहल में। आप चलिए, इसने मुझे थका दिया, थोड़ी देर के बाद आएंगे। अच्छा अच्छा, तुम लोग आराम करो, फिर चलेंगे। अच्छा, आपकी दुआ। तो आखिर तुमने उस लड़की को हासिल कर ही लिया? जी हाँ। क्या वो लड़की सोलह कला संपूर्ण है? गुरुजी, इतनी खूबसूरत लड़की दुनिया के तट पर आज तक पैदा हुई नहीं। जी हाँ। बस अगली अमावस की काली रात को तुम्हारी उस लड़की से शादी हो जाएगी। याद रखो, ये शादी सिर्फ मंदिर की भेंट के लिए होगी, तुम्हारी वासना के लिए नहीं। इस भेंट के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाओगे गुरुजी। मगर ठहरो, ये मैं क्या देख रहा हूं? क्या यही है वो लड़की? जी हाँ। मगर ये लड़की तो इस बदमाश के साथ भागी जा रही है। ये मेरे हाथ से भागकर कहीं नहीं जा सकती। मैंने जादू के जाल कदम कदम पर बिछा रखे हैं। बेवकूफ, जब तक उसके पास गुलाब का फूल है तुम्हारा जादू उस पर कोई असर नहीं कर सकता। मैं उस फूल को अभी छीन कर लाता हूं। वो फूल तेरी शक्ति नष्ट करने के लिए है मूर्ख। उसके नजदीक भी ना जाना। हाँ, एक तरकीब हो सकती है। वो क्या? तुम धोखे से, मक्कारी से, दगाबाजी से उस फूल को हासिल कर सकते हो और चालाकी से उस लड़की को यहां उठा ला सकते हो। ऐसे ही होगा। Thank you.
उसके जादू के सामने मेरे सब किए किराए पर पानी फिर गया। चिंता न कर, जब ताकत नहीं चलती तो तरकीब काम करती है। तू किसी भी तरह उस गुलाब के फूल को उससे जुदा करके उस लड़की को अपने कब्जे में कर ले। जब तक वो लड़की तेरे हाथ ना आएगी, तेरी मनोकामना कभी पूरी ना होगी। ठीक, अब मैं देखता हूं वो लड़की कैसे बच सकती है। कुमार, दीवान जी, कुमार बेटा, आंखें तरस गई थी तुम्हारी सूरत देखे हुए। हमें इस तरह छोड़कर कहां चले गए थे बेटा? अब तुम नहीं जाओगे? अब कहीं नहीं जाऊंगा दीवान जी। हमारा नहीं तो प्रजा का तो ख्याल करो बेटा, आखिर तुम उनके महाराज हो। मुझे तो आप पर पूरा पूरा भरोसा है दीवान जी। अब ये बूढ़ा राजघाट का बोझ ज्यादा दिन नहीं संभाल सकता। मैंने राज ज्योतिषी से तुम्हारी शादी का मुहूर्त पूछा है, कुछ तो बोझ हल्का हो जाएगा। और हाँ बेटा, इस खुशी के मौके पर कल सारे शहर में शानदार जश्न मनाया जाएगा। क्यों, ठीक है ना बेटी? जैसी आपकी इच्छा। कहाँ जाओ?
घबराओ नहीं, मेरे जीते जी वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे दिन रात पैताल से डर लगा रहता है कुमार, मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती, ऐसा ना हो कि हम हमेशा के लिए जुदा हो जाए। चंपाकली, दुनिया की कोई ताकत अब हमें जुदा नहीं कर सकती। लो ये फूल, और अपने पास हमेशा रखो। इस फूल के होते हुए वेताल का जादू तुम पर असर नहीं कर सकता, और याद रखो किसी भी हालत में इस फूल को अपने से जुदा नहीं करना। परे, जी? ये सुनहरा मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। तुम नीलम परी बनकर महफिल जमाओ और जिस तरह भी हो वो फूल हासिल करो। फूल के मिलते ही चंपा के लिए हमारे हाथ में होगी और फिर हम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, समझी? चंपा के लिए बहन, तुम्हें मिलकर बड़ी खुशी हुई, आज हम बहुत खुश हैं। मेरी एक मांग पूरी करोगे? हाँ हाँ, मांगो बहन। ये गुलाब का फूल मुझे दे दो। लो। देखा, ये सब बैताल का जाल है। फूल मिला? फूल मिलने ही वाला था मगर खामोश। मगर 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 निकम्मी कहीं, तुम लोग कुछ नहीं कर सकती। अब ये सब मुझे करना होगा, मुझे करना होगा। ले भी घूमे, चल जल्दी कर। भगवान तुम्हारा भला। हाँ पगले, चल जल्दी कर। छोकरी ले ले भला करे। नहीं, हमें दासियों के हाथ का दान स्वीकार नहीं। अगर तुम्हें दान देना हो तो नीचे आकर दो, नहीं तो तुम्हारे द्वार से एक ब्राह्मण खाली हाथ चला जाएगा। खैरी महाराज, मैं अपने हाथ से दान देती हूँ। लीजिए महाराज। ये अपवित्र दान मुझे नहीं चाहिए। दान देना हो तो दोनों हाथ से दो, नहीं तो मुझे स्वीकार नहीं। अब पैसा से बचना मुश्किल है। कुमार, कुमार, कुमार गजब हो गया, बड़ा गजब हो गया कुमार, बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? फूल कहाँ से लाया? लेकिन क्या हुआ? राक्षस धोखा देकर चंपाकली को उठा कर ले गया। राक्षस चंपाकली को उठा कर ले गया? कुमार, हम भी कुमार के साथ चलेंगे और चंपाकली को ढूंढ निकालेंगे। चलो। नहीं नहीं, वहां जान का खतरा जाता है, जान का खतरा है, नमक हराम। आगे चलो, आगे चलो। Thank you.
भाव पहुंचा, आज पूरे 1000 हो गए। आखिर कामयाबी की मंजिल ने मेरे कदम चूम ही लिए। लाओ की मूर्ति को नहीं मिटा सकती, लेकिन भुजंग के अरमानों का क्या होगा? भुजंग के अरमानों से मुझे अपना अरमान ज्यादा अजीज है। लेकिन क्यों? क्यों? कितना हसीन मंजर है, मैं किस बहिश्त में दाखिल हो गया हूं और किस हूर का जलवा देख रहा हूं। इस बहिश्त का नाम पाताल है और इस हूर को नीलमपरी कहते हैं। नीलमपरी? चंपाकली की बहन तो नहीं? लेकिन अब वो मेरी बहन नहीं है। एक आदमजात की मोहब्बत में फंसकर उसने मेरे साला साल की सिद्धि को नाकाम बनाने की कोशिश की, इसीलिए मैंने उसे यहां से निकाल दिया। सिद्धि? कैसी सिद्धि? मैंने भुजंग को उसके असली रूप में कायम रखने के लिए 1000 आदमियों के बलिदान का बीड़ा उठाया था, जो तुम्हारे बलिदान से पूरा हो सकता था। तो तुमने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? ये तुम्हें मालूम है। लेकिन मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। इस वक्त आराम करो, तुम्हें खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। भोले, हाँ। गए थे नमाज बख्शवाने, उल्टे रोजे गले पड़े। अब कुमार को ढूंढें तो कहां ढूंढें, कैसे ढूंढें, किधर ढूंढें? मेरी मानो तो चलो वापस लौट चले। नमक हराम! आखिर रहा ने माई का माई, कुमार का नमक खा के उसे हराम करना चाहता है? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। जा उधर तू ढूंढ, मैं इधर ढूंढता हूँ। छा लोभी के बच्चे, मैं इधर ढूंढता हूँ। मोटू हराम का खाने वाला, मर का बच्चा होकर डर का है, मर्दों को डर का है। ढूंढो ढूंढो, कुछ भी करके ढूंढो। बाप रे, मर गए, क्या चाहते हो तुम्हें? मुझे 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 क्या करोगे? खाऊंगा, बहुत दिनों के बाद शिकार। चलो राक्षस साहब, राक्षस साहब, राक्षस साहब, चलो मेरी छोटी बात सुनो, फिर बाद में आप नाश्ता कर जाओ मेरा। देखो आपको मुझसे बड़ा भारी शिकार मिल जाए तो आप मुझे छोड़ दोगे? कहा है? बुलाता हूँ राक्षस साहब, बुलाता हूँ। बजरंग भैया, दावत है, आ जाओ मेरे भाई, दावत है। कहाँ दावत है भैया? कहाँ भागते हो तुम? अपने घर को राक्षस साहब। राक्षस साहब, अब तुम मुझे छोड़ दो, आपने वादा किया था। देखो बड़ा भारी शिकार है ना। अब तो तुम दोनों को खाऊंगा, खूब नमक मिर्च लगा कर खाऊंगा। चंपा केली, मेरे अरमानों की खूबसूरत दुनिया। गुरुदेव, देखा मेरा कमाल? यही है वो खूबसूरत लड़की। शाबाश। रीरा का रूमा, काल भूत देवता की कुर्बानी के योग्य बली 16 कला संपूर्ण लड़की। तू बड़ी खुशनसीब है जो काल भूत जैसे महान देवता ने तुझे स्वीकार करेंगे। मुझे जाने दो। भागने की कोशिश मत करो लड़की, अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें यहां से नहीं छुड़ा सकती। गुरुदेव, हमें अपना कार्य आरंभ करना चाहिए। आज से तीसरे दिन पक्ष नक्षत्र में देवता प्रकट होंगे, उस समय इस लड़की की बलि दी जाएगी, लेकिन उस वक्त तक ये लड़की मेरे पास रहेगी। ये जो कुछ तुम कर रहे हो सब अत्याचार है, जुल्म है। काश मेरा कुमार होता तो तुमको मालूम हो जाता। नादान लड़की, तो जिस कुमार की रट लगा रही है, शायद तुझे नहीं मालूम कि मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए मौत के गोद सुला दिया।
अगर तू उसकी लाश देखना चाहती है तो आ। देख गुरुदेव बंबा काली का। ये मैं क्या देख रहा हूं, कुमार नीलम कली के साथ और गुलाब का फूल। बैताल तेरी सिद्धि उस वक्त तक पूरी ना हो सकेगी जब तक ये गुलाब का फूल इस पखंडी के पास है। गुरुदेव आप चिंता न करें, बलि के पहले पहले गुलाब का फूल आपके चरणों में होगा, नहीं तो मेरा नाम बैताल नहीं। मुझ पर दया करो, मुझे यहाँ से जाने दो, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। लड़की तुम यहाँ से नहीं जा सकती, अब तेरा छुटकारा तो सिर्फ काल भूत देवता ही करेंगे। पगली दो चार दिन नमन चैन से गुजार दे ताकि तेरे दिल में कोई अरमान बाकी रह जाए। भुजंग आ रहा है, ये उसी की आवाज है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहिए, अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगी। ये भुजंग कौन है? ये पाताल का एक जबरदस्त जिन है, पानी में इसकी ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आओ हम जमीन पर पहुंचे। नीलमपरी, नीलमपरी कहाँ मर गई? नीलमपरी है? नीलमपरी आदमजात के साथ? अब मैं यहां से कैसे बच के जा सकती है? Ah!
तुमने मुझे आज बड़ी मुसीबत से निकाल लिया है। इस एहसान का बदला मैं कैसे उतार सकूंगी? तुम किसी बात की फिक्र न करो। अगर मैंने तुम्हारी छोटी बहन चंपाकली को वचन न दिया होता, लेकिन अब वो बेचारी कहां होगी? जालिम बैताल के गुफा के सिवा उसका ठिकाना और कहां हो सकता है? लेकिन मुझे आशा है तुम बैताल के पंजे से उसे जरूर निकल कर लाओगे। बैताल क्या, आकाश और पाताल जहां भी चंपाकली होगी उसे ढूंढ निकालूंगा। मैं उस दिन के लिए तुम्हें मुबारकबाद देने का इंतजार करूंगी। मैं और तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक अदना से भेंट तुम्हें करती हूँ। इस मणि को मुंह में रखते ही तुम दुनिया की नजरों से गायब होकर हर मुसीबत का सामना कर सकोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पाताल में तुम्हारा इंतजार करूंगी। बजरंग भैया, बेटे भगवान का नाम ले लो। प्रभु भगवान, लो अपने लिए लकड़ियां आ गई। अरे हमारा तो भजिया बना कर खाए। खामोश हो जा, खामोश हो जा, अब्बा आ रहा है तेरा। वो तेरा अब्बा। अब तुम दोनों अपने भगवान को याद कर लो, एक ही झटके में दोनों का बेड़ा। राक्षस हुजूर, मेरी बात सुनो, अगर आपको खाना ही है तो पहले आप ही से खाइए, क्योंकि मोटा ताजा है। मुझ में आपको क्या सत्कार मिलेगा, दो चार सूखी हुई हड्डी, इसे आप पहले ही से खाइए और मुझे खाना खिलाइए। सरकार क्या कहा? मेरा कहने का मतलब यह है कि आप मुझे दो चार दिन खाना खिलाएंगे तो मैं मोटा हो जाऊंगा, उसके बाद आप चाहे तो मेरा भी है। बकवास बंद करो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या खुशबू आ रही है भैया? तुम यहाँ क्यों आई? क्या मोटा शिकार है, इसे तो मैं खाऊंगी भैया। तू इसे खा ले। नहीं नहीं, इससे तो मैं शादी करूंगी भैया, और इसे मैं खाऊंगी। तो भाई क्या करो? तुम उनको ना चुना दूं ना। अच्छा। इतनी अच्छी हो तुम बजरंग भैया, अपनी तो बैठे बिठाए शादी हो गई। अरे बर्बादी। क्या नाम है तुम्हारा? माया। अरे फिर तो अपना हो गया सफाया। माया, क्या चुन के नाम रखा। माया, अपनी नाजुक नाजुक उंगलियों से जरा खोलो तो। आज तो हमें बड़ा मोटा भारी शिकार खाने को मिलेगा। अरे भोले, कुछ तो लिहाज कर, मैं तो तेरा दोस्त हूँ। दोस्त आज मैं अपनी पत्नी की खातिर अपने हाथों से इसके टुकड़े टुकड़े कर दूँ। अरे लोभी के बच्चे, अगर मैं तेरा गुरु भाई हूँ कुछ तो मेरा लिहाज कर। हे प्रभु, भोले मैं इसका हाथ काटूंगा, उसके बाद पे, और उसके बाद। अरे मेरे भोले भैया, मेरे अच्छे भोले भैया। क्यों माया, याद है ना तुम्हें वो गुरु वाली पुतली? मैंने ही तो तुझको। मैं पहले इसका सर काटूंगा। जाओ माया, अंदर से कोई मोटा हथियार लेके आओ। मैं अभी लेके आती हूँ। जाओ मेरी पत्नी रानी, जाओ। भाग बे भाग, वो आ गए उसे भाग। रानी तो मर गई लड़ाई। ओ बजरंग भैया, बजरंग भैया, बजरंग भैया। ये ला पतिदेव, कहाँ गए पतिदेव? हाँ, शिकार। हाँ, हाँ। क्या मेरी किस्मत, जहाँ जाता हूँ वो दुम की तरह पीछे लटकती चली आती। अरे दौड़ो भागो, वो आ गई। वो आ गई कौन? अरे भाभी। देखो मैं तुम्हारे कितना बड़ा खंजर लाई हूँ। कहाँ हो मेरे पति देव? बोलो। अरे बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ। आजा आजा, देख ये धर्म राज क्या होता है। बचाओ, 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 बचाओ
बचा लूं? मर गए। ये धर्म राजा का अवतार, ये चंडाल का अवतार। कहाँ है मेरा शिकार? तुम्हारा शिकार ये रहा, ले जाओ और इन्हें आज पका कर खा जाओ। चलो भाई, तेरा पति है और ये तेरा देवर है। वो देखो अकेला जा रहा है। फूल जिस तरह से भी हो तुम्हें हासिल करना होगा, भले ही इसके लिए तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। आप इत्मीनान रखिए, मैं हर तरकीब से फूल हासिल करने की कोशिश करूंगी। नीलम परी की सुरीली आवाज नहीं, कल की नाकामयाबी आज नीलम परी की कामयाबी होगी। सुनो, अगर इस बार नाकाम रही तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा, समझी? जा सकती। मुझे लगता है कि अपना नाश्ता हो जाएगा। अरे अरे मत घसीट मत घसीट। अरे यो, अरे ये क्या करेगी? क्या ऊपर से खींचेगी, काट के खाएगी? अरे ये तो बांध रही है। अब तो मार रहा है। खामोश हो जा, चले बजरंग, भगवान का नाम ले ले। अरे क्या होगा, लूटी अपना नाश्ता करेगी। भगवान स्मरण कर लो बेटे। बहुत दिनों के बाद आदम जात का नाश्ता खाने को मिला है। बोला मर गए। अरे माया माया, मेरी बात तो सुन, मेरी काली कस्तूरी, मैं तो तेरा पति हूँ, क्या तू मेरा नाश्ता कर जाएगी? पति है मेरा कोई पति नहीं, तुम्हें दोनों को देख के मेरे मुँह में पानी आ रहा है। अरे अरे बोला, ये सब तेरा कसूर है। मेरा क्या कसूर, खबरदार बोलना नहीं, तेरा कसूर नहीं तो टक्कर मार दूंगा। अरे सर छोड़, मेरा सर छोड़। चुप रहो, अब मेरा हथियार बिल्कुल तैयार है। तैयार हो जाओ मरने के लिए। अरे माया माया माया, मेरी बात सुन माया माया माया, जरा एक काम कर मेरा, तुम मारने के लिए हथियार क्यों उठा रही है जालिम? जरा तेरी मत भरी आंखों से मेरे को देख लिए, खूबसूरत दांतों से जरा मुस्करा दे, मैं ऐसे ही कट जाऊंगा। अरे अब क्यों चिल्ला रहा है? राम नाम सत्य बोल। नहीं कुमार, कुमार बचाओ बचाओ। मैं तुम कौन हो और कहां हो? हमें भैया तुम्हारे साथी बोला और बजरंग। बोला बजरंग कहां तुम? अरे भैया हम भेड़े बन गए हैं, हमें इस मुसीबत से बचाइए। घबरा मत भैया। भैया कुमार भैया, बजरंग क्या कुमार भैया? अच्छा हुआ भैया आ गए, बोला बच गए। बजरंग जी ठीक हो ना? हाँ भैया, अच्छा हुआ आप आ गए, वरना नहीं, वरना ये हमारा नाश्ता फरमा जाती। ये बात है, खैर मैं इस मुसीबत को खात्मा कर दूँ। चलिए भैया, चलिए एक बात बात सुन दो, बात सुन मेरी बात तो सुन, हाथ हाथ पीछे कर लो। भैया ये फूल है ना, इसकी करामत से अगर आप इसको जरा सुंदर बना दे तो। भैया ये बात है, देखो कमाल कमाल करते भैया, तुमने तो मेरा घर बता दिया। तुम लोग महल की तरफ जाओ और मैं चंपा के लिए तलाश में जा रहा हूँ। जरूर जरूर जाइए 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 ना, तू भी चला जाना भैया, मुझे तो मेरी अनारकली मिल गई। अभी तक पाताल नहीं गई, यहाँ किस लिए? तुम्हारा दिल बहलाने के लिए। मजाक छोड़ो, बताओ क्या बात है? बात यह है,
जब से चंपाकली जुदा हुई है उस दुख से मैं पाताल जाने का मंत्र भूल गई हूँ। तुम उसे वापस लाओ, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो क्या पाताल जाने के लिए कोई और तरकीब नहीं है? सिर्फ एक तरकीब है। वो क्या? बोलो। अगर इस फूल को पानी में डुबो दिया जाए तो पानी पाताल जाने के लिए रास्ता दे देगा। फूल दोगे ना? अगर ये बात है तो ये लो फूल। लो। बेवकूफ, अब तुम्हारी सारी ताकतें हमारे हाथ में हैं। हमसे टक्कर लेना चाहते हो तो इसका भी अंजाम देख लो। अभी तो बहुत दूर है। क्या थक गई हो? नहीं, मुझे बहुत प्यास लगी है। प्यास लगी है? तो कौन सी बड़ी बात है, हम पानी लेके आते हैं। तुम यहीं बैठो। हाँ, चल बच्चे, अभी आते हैं। अभी चल, हाँ? चलो चलो। कितनी खूबसूरत जगह है और कितना ठंडा पानी है यार। प्यास तो मुझे भी लगी है। अच्छा, हाँ? तो एक काम करें, क्या पहले हम लोग पी लें, हाँ? बाद में माया के लिए ले चलें। बहुत अच्छे। जवाब लाजवाब। बहन जी, ये कोई कबाब खाने वाला मालूम होता है। क्या मतलब जी? मतलब ये है, इतने बड़े जंगल में तुम अकेले घूम रही हो। जाओ जाओ जी। बहन जी, जवाब दो ना। ये जी, आप चले जाइए। हाय 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 हाय, कुर्बान जाओ। ईरान देखा, तुर्कस्तान देखा, अरबस्तान देखा, कब्रिस्तान देखा,
ऐसी हसीना नहीं देखा। पर आप चाहते क्या है जी? मैं दिल के बदले दिल, आँख के बदले आँख, और हाथ के बदले हाथ। अच्छा जी, तुम्हारे पास और भी कुछ है या नहीं? मेरे पास ये देखो जादुई बंसरी, इसको बजाते ही और सुनने वाला नाचने लगता है। सुनो, तुम दोनों को बचा सकता है। तो फिर चलो कुमार के पास चले, चलो। ठहरो, वो फूल अब कुमार के पास नहीं, जादूगर वैताल के पास है। चलो मैं तुम्हें वहां तक ले चलती हूँ। चलो चलो, चलो, आजा बहन, चलो चल वैताल के पास। देखो ये है बलीघर और वहां रहा गुलाब का फूल। तो चलो चलो। ना बाबा, अगर मैं अंदर जाऊंगी तो जल के राख हो जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी तो बड़े भाई आ जाएंगे। वाह वाह वाह, बड़े भाई क्यों जाएंगे तुम्हारे होते हुए। अच्छा तुम दोनों अंदर जाने की तरकीब सोचो और मैं वो पुराने पेड़ के नीचे तुम दोनों का इंतजार करती हूँ, ठीक है? बला तो टली, अब चलो। लेकिन अब क्या करें? अरे उस फूल को तो ढूंढना होगा। हाँ, फूल को तो ढूंढना होगा। हाँ। कोशिश करते चलो। क्या रास्ते हैं, तुम जैसी कोमल औरतों के लिए चलना भी तो मुश्किल है। हे भगवान, देखते हैं क्या। अच्छा। देख देख, मुझे लगता है वही दरवाजा है। चल चल चल। मुझे लगता है यही दरवाजा है अंदर जाने का रास्ता। अच्छा तू पहले अंदर जा। अरे नहीं, तू पहले अंदर जा। अरे मैं कहता हूँ तू बराबरी बड़ी है, जा अंदर पहले। अरे तू बहादुर है, तू जा पहले। मैं कहता हूँ तू अंदर जा। अरे मैं कहता हूँ तू अंदर जा। तू नहीं जाती? नहीं जाता। अच्छी बात है, देखता हूँ कैसे नहीं जाती। मैं कहता हूँ तू पहले अंदर जा। मैं नहीं जाता। मैं कहता हूँ जा। मैं कहता नहीं जाता। नहीं जाता। क्या कर दो, मुझे पहचाना नहीं। अरे मैं तो मां का पति हूँ। पति
फूल लेकर आऊंगा, मगर पहले इसको खत्म कर। ये माया का भाई है, यानी कि मेरा साला है। ये बात है। अच्छा, रहम कीजिए, रहम कीजिए। अगर ये कुल्हाड़ा मैं जादूगर के पास नहीं पहुंचाऊंगा तो मुझे जान से मार डालेगा। तुम फिक्र मत करो, तुम यहां रहो, मैं खुद कुल्हाड़ा लेकर जाऊंगा। ओ शंगा, ओ काका की, ओ शंगा, जो काकारी, गड़गड़ गंबा, काल भूत, ओशा, ओशा, जय हो काल भूत देवता की, जय। वैताल, मालूम होता है कि आज तेरी तकदीर चमकने वाली है। देवता बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं, अवश्य उन्हें तेरी यह बलि पसंद आ गई है। अब जल्दी से बलिदान की तैयारी की जाए। जय हो काल भूत की। भाग्यवान लड़की, काल भूत के चरणों में रोते हुए नहीं, हंसते हंसते कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ। इसमें तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और मैं अमर हो जाऊंगा। नहीं नहीं, ये जुल्म है, देवता ये बलि कभी स्वीकार नहीं करेंगे। देवताओं की इच्छा को हम खूब जानते हैं। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। खबरदार, अब इस फूल को मेरे हाथ से दुनिया की कोई ताकत नहीं ले सकती। नहीं नहीं, मुझ पर अगर जबान हिलाई तो जबान काट दी जाएगी। We'll be right back.
नादान, उस गुलाब के फूल की ताकत के आगे हमारी कुछ नहीं चलेगी। अब हमें फौरन हवा महल के जरिए से इस लड़की को लेकर यहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहां की बलि का समय बीत चुका। अब इस लड़की की बलि ज्वालामुखी पर होगी। समझी? चलो इधर आओ। चलो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा।
है तारों भरी रात है।